हेलो स्टूडेंट वेलकम ऑनस अगैन बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है एरिया के बारे में वैसे तो मैंने इंट्रो में आपको समझाई दिया था कि किसी भी फिगर में एरिया जो है वो अंदर का कितना इलाका घेर रहा है वही उसका एरिया कहलाता है ठीक है और जो बाहर बाहर की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम लोग उसका पेरीमीटर बोलते हैं लेकिन अब चूंकि दोबारा से आ गया है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आपको एरिया और अच्छे समझ में आ जाएगा और फिर इसके बाद की जो एक्सरसाइज है टेन पॉइंट थ्री उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तो देखो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाई काउंटिंग स्क्वायर्स यानी कि जो स्क्वायर यहाँ पर दिए गए ना केवल इनको काउंट कीजिए और एरिया बताइए तो देखो यहाँ पर कितने हमारे पास स्क्वायर हैं ये वन टू थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल हमारे पास नाइन है इसका मतलब यहाँ पर नाइन स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया होगा अब बोलोगे सर ये नाइन तो समझ में आ रहा है ये स्क्वायर यूनिट क्या होता है तो ये भी समझ लो देखो कभी भी ना जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसमें हम लोग लेंथ को भी काउंट करते हैं और ब्रेथ को भी काउंट करते हैं अगर ये हमारा मान लो मीटर में है और ब्रेथ भी जो हमारी है वो भी मीटर में है तो मीटर और मीटर का चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम लोग दोनों को काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा मीटर का स्क्वायर में आंसर आता है तो जब कभी भी आप एरिया निकालोगे ना तो चाहे वो मीटर में रहे चाहे सेंटीमीटर में रहे वो स्क्वायर यूनिट में ही आता है इसीलिए इसको शॉर्टकट में स्क्वायर यूनिट कहा जाता है ठीक है अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों की मल्टीप्लाई होती है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ठीक है तो फिलहाल ये समझिए आपने कि यहाँ पर नाइन्थ है तो ये नाइन स्क्वायर यूनिट हो गया उसी तरीके से यहाँ देखो वन टू थ्री ये फोर और ये फाइव तो यहाँ पर फाइव स्क्वायर यूनिट हो जाएगा अब यहाँ पर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है इसमें देखो ये पूरे पूरे तो एक ये वन है और ये टू है उसके बाद ये आधा है और ये भी आधा है तो हाफ़ और हाफ को मिला करके हमारा वन हो जाता है पूरा पूरा ठीक है हाफ और हाफ को मिलाओगे तो क्या होगा वन हो जाएगा पूरा और उसी तरीके से ये वाला और ये वाला हाफ़ है दोनों दोनों हाफ हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो एक और मिल जाएगा तो देखो दो तो हमारे पूरे पूरे थे ये दोनों को मिलाए तो एक हो गया तो दो और एक तीन आ गया और यहाँ पर ये वाला और ये वालों को मिला करके एक आ गया तो तीन और एक चार यानी कि फोर स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें देखो कितनी है तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बीच में कहीं पे फोर ये फाइव हो गया था ये हमारा नाइन था ठीक है यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसमें भी देखो सिंपल है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर यूनिट यहाँ पर फिर से वही इंटरेस्टिंग वाला आ गया देखो यहाँ पर ये यह वन और ये वन टू हो गया फुल फुल तो हमारे पास टू है ये वाला हाफ और ये हाफ देखो ये हाफ कैसे पता चल रहा है ना यहाँ पर अगर इसको मैं पूरा पूरा ऐसे डब्बा बना दूँ तो ये देखो मेरे पास इधर वाला एरिया है ये वाला एरिया लिया जा रहा है तो ये हाफ हो जाएगा इस तरीके से तिरछा हाफ किया गया बीच से कट नहीं किया गया है तो ये हाफ है और ऊपर वाला भी हाफ है ये मिला करके वन हो गया तो टू और वन थ्री हो जाएगा और इधर भी इन दोनों को मिला करके वन बन जाएगा तो थ्री और वन फोर यहाँ पर भी हमारा फोर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं कितने हैं तो पहले जो कंप्लीट है फुल है उनको देखो जैसे ये देखो कम्प्लीट है मेरा वन ये टू और ये थ्री है और ये फोर यहाँ पर फोर्थ हमारे पास कंप्लीट मिल गया अब हाफ आपको देखो तो ये हाफ है और एक ये हाफ है तो ये हमारा वन हो जाएगा तो फोर हुआ था और ये दोनों को मिला करके हमारा वन फाइव हो गया उसी तरीके से ये वाला हाफ़ और ये वाला हाफ मिला करके वन तो फाइव और वन हो जाएगा हमारा सिक्स तो इसका जो टोटल एरिया निकलेगा वो सिक्स स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा उसके बाद ये वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पर फाइव स्क्वायर यूनिट उसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन तो यहाँ पर नाइन स्क्वायर यूनिट हो गया देख लेना मैं काउंटिंग में कुछ गलत तो नहीं ना कर रहा उसके बाद यहाँ पर देखो ये वन और ये वन टू हो जाएगा उसके बाद ये दोनों को मिला देंगे हम लोग ये वाला हाफ और इधर वाला हाफ तो ये और ये मिलकर वन बन जाएगा तो टू और वन थ्री उसी तरीके से इधर वाला और इधर वाले को मिला देंगे तो ये दोनों मिला कर वन बन जाएंगे तो थ्री और वन फोर स्क्वायर यूनिट यहाँ पर भी हो जाएगा इसमें देखो ये वन ये टू और ये थ्री ये हो गया फोर और इन दोनों आधा आधा को मिला करके वन हो गया तो फोर और वन आ गया हमारा फाइव स्क्वायर यूनिट इसका आंसर अब ये जो एल वाला हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ तो पहले जो हमने के तक जो बनाया उसमें साफ साफ हाफ़ पता चल जा रहा था इसमें हाफ नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डायरेक्ट हाफ है क्योंकि थोड़ा सा कर्व करके दिया गया है तो एग्जैक्ट हम लोग तो नहीं बता सकते तो इसमें आपको क्या करना है ना ये देखना है कि मोर देन हाफ हाफ से ज़्यादा कितने हैं पहले तो अपन फुल फुल को काउंट करेंगे कि कंप्लीट कि कितने स्क्वायर है उसके बाद आधा से भी ज्यादा अगर किसी स्क्वायर में रहे हमारे पास तो उसको भी अपन वन काउंट करेंगे मिला जुला करके देखो कैसे करना मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ये हमारा वन है ये वन है ये दोनों आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं टू हो गए उसके बाद ये भी लगभग हमारा पूरा ही दिख रहा है यहाँ पर से देखोगे आप तो हल्का सा बस यहाँ पर छोड़ करके आ रहा है तो इसको मान लो कम्प्लीट है तो ये हमारा थ्री हो गया ठीक है ये वाला ये वाला और ये वाला अब आप देखो कि आधा से ज़्यादा किस में है तो जैसे देखो ये वाला जो हमारा स्क्वायर बना है इसमें हाफ से मोर है तो ये एक वन हो गया अभी मैं यहाँ पर साइड में थ्री कर देता हूँ जो हमने कम्प्लीट लिखे हैं अब मोर देन हाफ कितने वो देखना है तो ये देखो एक वन ये टू ये थ्री ये फोर हो गया ठीक है और उसके बाद और कहीं पर है क्या तो और ये वाला देखो यहाँ पर इसको अगर मैं और इसको मिला दूँ तो ये भी कंप्लीट मेरे हिसाब से मोर देन हाफ हो जाएगा तो ये लगभग फाइव हो गया तो एग्जैक्ट में यहाँ पर और थोड़ा मोड़ा जो हमने यहाँ पर लिया था ना उसको भी हम लोग कहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं जैसे ये वाला हमने यहाँ पर पूरा पूरा था नहीं इसको हमने लगभग वन माना है तो ये वाला और ये छोटा वाला ये यहाँ पर जो छोटा एरिया निकल के आ रहा है इसको मिला करके अपन वन कर सकते हैं कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको अप्रॉक्स करना है ये हमारे पास तीन तो पूरे पूरे थे और लगभग फाइव जो है हमारे पास मोर देन हाफ है तो थ्री और फाइव हमारे पास कितना हो जाएगा एट हो जाएगा तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो एट स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा आपको ज्यादा एकदम बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है मिलाने जुलाने की जरूरत नहीं है सिंपल आप देखना कि वहां पर पूरे कितने हैं और मोर देन हाफ कितने बन रहे हैं अगर मोर देन हाफ नहीं है तो अगर दो ठो को मिला करके भी अगर हमारे पास मोर देन हाफ हो जाता है ना तो वहाँ पर आप उन दोनों को मिला करके मोर देन हाफ को पूरा पूरा वन काउंट करोगे समझ में आया मेरी बात अगर आधा से ज्यादा है तो वन काउंट कर लेना है और उसे छोटा है तो उसको छोड़ देना है ठीक है अगर जरूरत पड़ेगा तब हम छोटे वाले को कहीं पर एडजस्ट करेंगे उसी तरीके से जो एम और एन वाला है एक सेकेंड थोड़ा तो सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ फिर आपको देखिएगा अच्छे से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ठीक है तो अब देखो यहाँ पर भी ऐसी है जैसे एल वाले में था यहाँ भी आपको ऐसी ही करना है पहले तो देखना है कि मोर देन हाफ कौन सा है पहले तो कंप्लीट देखना है उसके बाद देखना है कि मोर देन हाफ कौन सा है तो जैसे मैं कंप्लीट गिनता हूँ यहाँ पर देखो ये वन ये टू ये थ्री ठीक है ये हो गया फोर ये हो गया फाइव ठीक है ये भी देखो हमारा लगभग लगभग कंप्लीट है तो इसको मैं सिक्स कर लेता हूँ इसको मैं सेवन कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेवन जो है वो कंप्लीट है ठीक है साफ साफ़ दिख रहा है मैं फिर से बता देता हूँ आपको देखो ये वन टू थ्री ये भी एकदम लगभग कंप्लीट थोड़ा सा किलिए बस बच रहा है यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट में कंप्लीट ही दिखेगा तो ये हो गया हमारे पास फोर उसके बाद ये फाइव ये सिक्स और ये वाला भी वैसी है हल्का सा बस यहाँ पर कट हुआ है तो इसको भी आप पूरा मानोगे तो हो गया हमारे पास टेन सेवन जो है फुल हो गया कंप्लीट वाले हो गए अब मोर देन हाफ यानी आधा से ज्यादा कितने हैं तो वो देख लो यहाँ पर यहीं ऊपर से स्टार्ट करेंगे ये वन हो गया ये इधर से मिला करके लगभग आधा से ज़्यादा है तो ये वन और ये वन टू हो गया ये भी लगभग वही आधा से ज़्यादा तो ये हो गया थ्री ये हो गया फोर ये हो गया फाइव ठीक है अब इधर से आ जाओ आप तो ये दोनों से तो सेवन।, तो सेवन, सेवन, तो सेवन, सेवन प्लस कर दो तो हो जाएगा फोर्टीन यानी इसका जो एरिया होगा वो फोर्टीन स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आइए इसको देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास पहले कंप्लीट वाले देखो ये वन ये टू और ये थ्री हो गया उसके बाद फोर फाइव और ये सिक्स ये हो गया सेवन ठीक है ये एट हो गया और ये नाइन यानी कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर नाइन है अब देखो कि मोर देन हाफ कितने यहाँ पर आधा से ज़्यादा वाला जैसे देखो ये मोर देन हाफ दिख रहा है एक तो ये वन हो गया ये टू हो गया ठीक है यहाँ से स्टार्ट करो हूँ यहाँ पे डॉट कर देता हूँ तो इस तरीके से डार्क कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ठीक है इसको हमने उस टाइम काउंट नहीं किया था ये हो गया हमारा फाइव मोर देन हाफ है लगभग ये भी ठीक है उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स ये वाला इसको भी ये लगभग हमारा मोर देन देखो हाफ ही है ये हाफ से ज़्यादा है तो इसको भी आप काउंट कर सकते हो क्योंकि ये वाला अगर आप इसमें मिला दोगे तो ये दोनों मिल करके तो मोर देन हाफ बना ही लेंगे तो ये हमारा सेवन हो गया ठीक है ये वाला और ये वाला मिला करके हमारा मोर देन हाफ हो जाएगा तो एट हो गया उसी तरीके से ये वाला और इतना जो एरिया है ये बचा हुआ इन दोनों को अगर वैसे तो ये खुद ही मोर देन हाफ है फिर भी अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें तो एकदम एग्जैक्ट मोर देन हाफ हो जाएगा तो टोटल यहाँ पर मोर देन हाफ भी हम लोग अगर मिला जुला करके देखें तो नाइन है तो पूरे पूरे भी नाइन और मोर देन हाफ इज नाइन तो नाइन एंड नाइन टोटल हमारे हो जाएंगे एट्टी तो इसका जो आंसर निकलेगा एट्टी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको काउंट करना एकदम एक्जैक्ट देखो इस टाइप से जो फिगर आते हैं उसमें एकदम एक्जैक्ट में देखना बस हम मोर देन हाफ देख लेना अगर मिला करके मोर देन हाफ हो रहा होगा जैसे ये और ये मैंने मिलाया था तो उसको भी काउंट कर सकते हो ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया जो होता है वो बीच के स्क्वायर यूनिट्स को देख करके बनाया जाता है मैं हम लोग समझते हैं अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना वहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं टेन पॉइंट थ्री में उसको मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल में भी समझा दूंगा चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग